बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं अदील मुमताज। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत जारी। तरामीम के बाद नैब का बहुत सा काम खत्म हो गया। नहीं मालूम कि ये मुकदमात दूसरे फॉर्म पर भी जाएंगे या नैब के पास मुकदमात दूसरे फॉर्म्स पर भेजने का कोई इख्तियार है। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। तरामीम के बाद इन मुकदमात को डील करने का इख्तियार नैब के पास नहीं है, ना नैब दूसरे इदारों को मुकदमात भिजवा सकता है। खाजा हारिस का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। DC इस्लामाबाद को मंगल को पेशी का नोटिस जारी कर दिया गया। परवेज इलाही को आइंदा समात पर पेश होने की हदायत। किसी भी किस्म का बयान देने से भी रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को हबसे बेजाब में रखने की समात। सुपरिटेंडेंट जेल अटक CPO और DPO को 11 बजे तक तलब करने का हुक्म। हुकूमत को बिजली रिलीफ के लिए गैर रवायती हल की तलाश। अवामी जज्बात मजरू किए बगैर हल ढूंढ निकालेंगे। निगरान वजीर आजम पुरअज़म अनवार उल्लाह काकड़ ने गर्दिशी कर्जे, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस को बड़े चैलेंजेस करार दे दिया। चीनी की कीमत में कमी न हो सकी। क्वेटा में चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। क्वेटा में फी किलो चीनी की कीमत 220 से बढ़कर 230 रुपए हो गए। गवादर हेलीकॉप्टर हादसे के 2 शहादा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लेफ्टिनेंट कमांडर सैयद जवाद अली शाह शहीद कराची में सपुर्दे खाक। हसनैन शहीद चिन्योट में फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक। लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद शहीद की नमाज जनाजा आज होगी। और कनकोट और शिकारपुर में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 5 मुगवी छुड़वा लिए गए। 3 बाजियाब अफराद को कश्मोर डेरा मोड़ में धरने में पहुंचा दिया गया। पुलिस की धरना खत्म करने की अपील। मुजाहिरीन का दीगर बाजियाबियों का मुतालबा। हेडलाइन से आपने जानी है A1 TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV सब पे नजर, अंदर की खबर।